नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं संगठनों की श्रृंखला, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं हम लोग। तो याद रखना, जितनी भी अभी तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं WTO तक, तो एक ये आप लोगों को सभी एक जगह मिल जाएंगी। जितनी ख़त्म कर चुके हैं वो है आपकी अपनी प्लेलिस्ट सूची में, ऑर्गेनाइजेशन या महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, ठीक है। बात करते हैं विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 14 जुलाई 1967 में हुई इसकी स्थापना। विप्रो का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना। और याद रखना 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है इस, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना 14 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब इसके सदस्य देशों की बात करें तो 191 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें से 188 UN के और बाकी कुकद्वीप समूह, हेलिसी और नीवे, ठीक है, ये तीन देश हैं, ठीक है, टोटल हैं 191। याद रखना फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। कुछ NGO और IGO बैठकों में आधिकारिक रूप से उपस्थित हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें पर्यवेक्षक के सदस्य के रूप में दर्जा मिला हुआ है। भारत की बात करें तो भारत 1975 में इसका सदस्य बना, ठीक है। उद्देश्य की बात करूँ, विप्रो के उद्देश्य, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, और बौद्धिक संपदा का संरक्षण, मानव ज्ञान की बौद्धिक संरचनाएं इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। विप्रो 36 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है, याद रखना। अब विप्रो के कार्यों की बात करें तो ये बौद्धिक संपदा के नियम बनाना इसका कार्य है, तकनीकी संरचना करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सीमाएं और अपवाद, सहयोग और क्षमता निर्माण, विवादों को सुलझाना इसके प्रमुख कार्य हैं विप्रो के, ठीक है, याद रखिए। विप्रो का इतिहास जानते हैं हम लोग, ठीक है। अठारह सौ तेरासी में पेरिस कन्वेंशन में आविष्कार पेटेंट और ट्रेडमार्क को संरक्षण मिला, ठीक है। फिर 1886 वर्न कन्वेंशन साहित्य एवं कलात्मक कार्यों के लिए। फिर 1891 मैड्रिड एग्रीमेंट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत हुई 1891 में। 1893 बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए। 1967 में विप्रो कन्वेंशन, 1974 में UN में शामिल हुआ है, ठीक है, याद रखना। इसकी प्रमुख संधियों को देख लेते हैं, विप्रो की कुछ महत्वपूर्ण संधियां, ठीक है। तो इसमें शामिल है विप्रो परफॉर्मेंस एवं फोनोग्राम संधि, दूसरी है बुडापेस्ट संधि, फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल, फिर मराकेश संधि, विप्रो की कॉपीराइट संधि, ठीक है, याद रखिए प्रमुख संधियां हैं, ठीक। विप्रो के प्रकाशन देख लेते हैं तो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है किसके किसके साथ मिलकर। विप्रो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेड के सहयोग से, ठीक है, याद रखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, विप्रो किसके साथ मिलकर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेड के सहयोग से, ठीक है। चलिए तो ये था विप्रो हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक, वर्ल्ड बैंक को देखेंगे।